की बोली समस्या से कि कनेक्ट रही पिछली बार भी इसी तरह की यदि भी बाबा विशेष तपस्या अर्थात क्या मैंने तपस्या अर्थात डिपेंडेंसी से मुक्त होना और तीसरा था तपस्या अर्थात एक याद नहीं है पुरुषार्थ हमने किया क्या हो गया याद ना हाँ एक का सब कुछ एक का एक से एकाग्र एकांत प्रिय एक रस इसको क्या कहा था ना बाबा ने एक नामी इकोनॉमी आज बाबा कह रहे तपस्या अर्थात समारोह सेरेमनी और तपस्या दूसरा मौज मनाना दीदी साउंड बहुत कम है डिस्टर्बेंस आ रहा है फैन का तपस्या अर्थात मौज मनाना और तपस्या अर्थात सेरेमनी धीरे इसको ये तो योग में रहता है शायद बाद में अपने आप धीरे धीरे साउंड हो जाती है इसका नहीं नजदीक है तो बाबा कह रहे तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना समारोह और फिर बाबा ने तपस्या मतलब पूरा आज नवीनता क्योंकि 31 दिसंबर है ना मौज का दिन है तपस्या शब्द भारी मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज भी लगता है कि अभी इतनी आदत नहीं है बाह्य मुक्ता की आदत है बाबा के शब्दों में सुनते हैं 31/12/1990 की मुरली तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है तपस्या अर्थात बाप से मोज मनाना आज बाप दादा चारों ओर के सर्व नई नॉलेज द्वारा हर समय नए जीवन नई वृत्ति नई दृष्टि नई सृष्टि अनुभव करने वाले बच्चों को पद की मुबारक दे रहे हैं इस समय चारों ओर के बच्चे अपने दिल रूपी दूरदर्शन द्वारा वर्तमान समय के दिव्य दृष्टि को देख रहे हैं दिल रूपी दूरदर्शन बहुत फेमस था ना वर्तमान समय के दिव्य दृश्य को देख रहे हैं सभी का एक ही संकल्प दूर होते समीप अनुभव करने का है बाप दादा भी सभी बच्चों को देख रहे हैं सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के सांझ सुन रहे हैं सभी के वैरायटी देखो बाबा क्या कर रहे हैं नए सभी के नए उमंग उत्साह के दिल की मुबारकों के सांझ सुन रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर करते ना तो मुबारकों के सांझ सभी के वैरायटी स्नेह भरे साज बहुत सुंदर है इसलिए सभी को साथ साथ रिटर्न रिस्पोंड कर रहे हैं नए वर्ष की नए उमंग उत्साह की और हर समय अपने में दिव्यता लाने की सदा की मुबारक हो सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं लेकिन देखो दिव्यता लाने की मुबारक नए वर्ष में तो सभी नए वर्ष की सॉरी सिर्फ आज नए वर्ष के कारण मुबारक नहीं लेकिन अविनाशी बाप की अविनाशी प्रीत लाने वाले निभाने वाले बच्चों प्रति
संगम युग की हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है, इसलिए हर घड़ी अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है। नहीं चल रहा तो बाबा कह रहे हैं एकदम स्लो पे करो फिर आवाज आ रही, नहीं चल रही साउंड। अविनाशी बाप की अविनाशी मुबारक है, तो बाप दादा की संगम युग की हर घड़ी क्यों जीव हर घड़ी जीवन में नवीनता लाने वाली है, क्योंकि पास्ट को जो पास्ट फास्ट कर देता है तो वो उसके लिए जीवन में नवीनता है, नहीं तो वही उमंग उत्साह जितना होगा तो जीवन में नवीनता है, और पास्ट इज पास्ट जितना होगा उतना जीवन में नवीनता है। तो बधाइयों की खुशी, बाप दादा की विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबा कह रहे हैं, ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयों की खुशी से ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां है, शिक्षक के स्वरूप से हर समय, बाप के स्वरूप में हर समय बधाई है, शिक्षक के स्वरूप से हर समय शाबाश शाबाश का बोल, पास विद ऑनर बना रहा है। बाप दादा के रूप बाप के स्वरूप में सॉरी सदगुरु के रूप में उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसमें शाबाश, और इस सदगुरु के रूप में वरदान। हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है, इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो। भाग्य विधाता वरदान मिल जाए, शाबाशी मिले तो और बधाइयां मिले तो वो जीवन कैसा होगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा, और आपको तो लोग तो विशेष दिन पर विशेष मुबारक देते हैं, और आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? पहली तारीख से दूसरी तारीख हो जाएगी तो भी मुबारक भी खत्म हो जाएगी क्या? देखो बेशक दुनिया में पूरा जनवरी मास हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट टाइम जब भी आप मिले एटलीस्ट एक दो महीने तक चलता है हैप्पी न्यू ईयर, चलो एक या दो महीना है उनके लिए मैक्सिमम, बाद में तो ओल्ड न्यू ईयर हो जाए, ओल्ड ईयर हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता है। और हमको सारा संगम युग, तो आपको सिर्फ नए वर्ष की मुबारक मिलती है क्या? आपके लिए हर समय हर घड़ी विशेष है, संगम युग है ही विशेष युग, मुबारकों का युग, कॉन्ग्रेचुलेशंस का इरा। अमृत वेले हर रोज बाप से मुबारक लेते हो ना, ये तो निमित्त मात्र दिन को मनाते हैं, लेकिन सदा याद रखो हर घड़ी मौजों की घड़ी है, मौज ही मौज है ना। कोई पूछे आपके जीवन में क्या है तो क्या उत्तर देंगे? मौज ही मौज है ना। क्या लगता है आपको? आगे बाबा ने तरीका बताया है,
मौजी मौज क्यों है? कोई रॉन्ग बोल रहा है, रॉन्ग कर रहा है, मौजी मौज है कैसे? सहन शक्ति बढ़ रही है और दुनिया में कहते मैंने बहुत सहन किया, वो याद भी करो तो भी दर्द आता है। सहन शक्ति बढ़ रही है, वो खाली चुप रहना बढ़ नहीं रहा, ये भी ठीक है, तभी तो पता चलेगा। वहां तो अंधों में काना राजा थे, इसलिए ये तो बाप परफेक्ट बनाने की मुरलिया है। तो बाबा कह रहे हैं, तो कोई पूछे आपके जीवन में क्या है, तो मौज ही मौज है ना। देखो संकल्पों को चेंज करना आ गया ना हमको, और वो भी इमीडिएटली, तो मौज है। अगर टाइम लग रहा है तो उस पीरियड तक फिर मूंज है। बाबा इसलिए कह रहे हैं, सारे संकल्प की मौजें इस जीवन में अनुभव करते हो, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना होता है, सारे कल्प की मौजे, क्योंकि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव, बाबा से मिलन के मौज का अनुभव सारे कल्प के राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी दोनों का अनुभव कराता है। जितना बाप से कनेक्टेड की फीलिंग रहेगी, जितनी घड़िया, उतना राज्य अधिकारी और पूज्य अधिकारी। अब चलो एक घंटा मुरली सुन रहे हैं ना, कितना बाप से कनेक्टेड, मतलब बाबा सामने बैठा है, सिंपल है, बहुत इजी है, मुरली के समय तो है ही बाबा की मां। चाहे निमित्त कोई शरीरधारी है, देहधारी होता है, बाबा सामने बैठा है, बाबा बोल रहा है। ट्राई करते हैं कि बाप से मिलन की मौजों का अनुभव, ये है पूज्यपन की मौज और राज्य करने की मौज, दोनों का नॉलेज है ना अभी, इसलिए मौज अब है। उस समय तो पता ही नहीं होगा ना, वैसे जो बॉर्न ही गोल्डन प्लेट में होते हैं ना, उनको इतनी वैल्यू होती भी नहीं वो धन की, मतलब दूसरा देखने वाला सोचता है कि इसको क्या कमी है। तो इसलिए अभी उस राज्य अधिकारी का मौज का अनुभव है, उस समय क्या है पूज्य अधिकारी, फिर हम पूजनीय बनेंगे, पूजा होगी द्वापर युग ऑनवर्ड्स। हाँ इस वर्ष क्या करेंगे, नवीनता करेंगे ना, इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो तपस्या करनी है या समारोह मनाना है, तपस्या ही बड़े ते बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात, ये सब डेफिनेशन इकट्ठी करते जाएंगे अब, रोज हर संडे तपस्या, क्योंकि बाबा जब भी आए तपस्या वर्ष में तपस्या की ही मुरली चली। हाँ तो तपस्या अर्थात बाप से मौज मना, बाबा मेरे सामने है, बाबा मेरे साथ है, बाबा पढ़ा रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मौज है। मिलन को मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, देखो मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज और समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना, सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, देखो बाबा कहते कितनी भी सेवा का बड़ा से बड़ा समारोह है, लेकिन तपस्या का वातावरण होता है ना,
जैसे प्रोग्राम हो रहा है और एकदम स्टार्टिंग ही हम एकदम कमेंट्री वाला योग से करते हैं, किया था ना हम लोगों ने, वो वातावरण ही उस समय कैसा होता है। बाद में प्रोग्राम उन लोग आवाज से शुरू करते हैं कोई कोई भी प्रोग्राम, और हमें तो हमने ये जनरली स्टाइल ही बना दिया, कोई भी प्रोग्राम के पहले 15 मिनट बहने कमेंट्री कराए बस, तो वातावरण बन जाता है। अब उस वातावरण में फिर वो आत्माएं आकर सुनती है। किसके यहाँ प्रोग्राम था अभी शिवरात्रि वाला, था ना बाहर प्रोग्राम, हाँ हाँ वहां, तो वहां भी पहले योग चला और उसके बाद फिर ये जो भी था प्रोग्राम हुआ। तो अनुभव क्या सुनाया कईयों ने, बहुतों ने, मतलब कि वो आते ही वो वातावरण एक मैग्नेट की तरह था। तो बाबा कहते हैं तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना, अच्छा क्या नवीनता लाएंगे। सदैव अपने को चेक करो, आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया। शुभ भावना मनसा सेवा शुभ भावना और शुभ कामना से कितना मनसा सेवा से वृद्धि हुई। शुभ भावना मतलब भावनाओं में, देखो फीलिंग्स में कहीं ना कहीं पुरानापन चला ही जाता है अगर ध्यान नहीं रखो उसको। दादी को बताया था ना एक बार, दादी को पूछा आप क्या पुरुषार्थ करती हो, दादी ने क्या उत्तर दिया, फीलिंग्स को क्लीन रखती हूं। तो बाबा कहते हैं तो अन्य आत्माओं के प्रति तो कितनी वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ एक तो श्रेष्ठता की नवीनता, साथ साथ बोल में मधुरता संतुष्टता सरलता की नवीनता कितनी लाई बोल में। तो मनसा में शुभ भावना की नवीनता और बोल में मधुरता संतुष्टता और सरलता, मधुरता तो इजी है, संतुष्टता और सरलता बोल में। फॉर एग्जाम्पल सेटिस्फाइड के बोल, आप तो बड़े ऐसे हो, टॉन्टिंग के बोले ना वैसे तो बड़े, तो संतुष्टता के नहीं होते, सरलता के बोल नहीं लगते। तो बोल में संतुष्टता और सरलता की नवीनता। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते, बोल में इन तीन बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो। ठीक है, चेक कर रहे हो सभी कौन सी तीन बातें, तो मधुरता संतुष्टता और सरलता। दुनिया में कहते हैं स्वीट वर्ड्स हो, हम क्या कहते हैं कंटेंटेड सिंपल एंड फिर स्वीट। तो इसको कहा जाएगा नवीनता, तो मनसा में हुआ शुभ भावना शुभ कामना देन नवीनता, बोल में ये तीन बातें। तो इसमें कौन कौन से बोल नहीं होंगे, हाँ
हाँ सजा सजा के बोलना है उसको, हाँ सरलता नहीं है, हाँ सजा सजा के डेकोरेट करके वर्ड्स बोलना, इतना महिमा करना, एक्चुअली फील ना हो, ये सब क्या कहेंगे, सरलता के बोल नहीं है। तो बोल में इन तीनों बातों का अनुभव, इसको कहा जाएगा नवीनता, साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। इसका ये कर्म देख के चाहे मुझे स्वयं को या दूसरों को कुछ प्रेरणा मिली, कुछ मिला। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव, कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो और भविष्य जमा का अनुभव, तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज, कर्म प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल जमा का फीलिंग हो, प्राप्ति का फीलिंग, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म में प्राप्ति और जमा की फीलिंग, भविष्य जमा हो रहा है, कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर, खाली नहीं हो, भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए, साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है, इस वर्ष दाता के बच्चे मास्टर दाता, इस स्मृति स्वरूप में अनुभव करो, चाहे ब्राह्मण आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, लेकिन जिसके भी संपर्क संबंध में आओ उन आत्माओं को मास्टर दाता द्वारा प्राप्ति का अनुभव, चाहे हिम्मत मिले चाहे उमंग उत्साह मिले चाहे शांति व शक्ति मिले, सहज विधि मिले, खुशी मिले, अनुभव की वृद्धि की अनुभूति हो, मत उमंग, देखो कितना मतलब एक एक फीलिंग्स को भी कितना एक्यूरेटली उस पर्टिकुलर एंगल के साथ जुड़ा है। मनसा के लिए शुभ भावना शुभकामना, बोल में ये बातें, संबंध कर्म में प्राप्ति का अनुभव और संबंध संपर्क में ये देने वाला है, लोगों को महसूस हो, मास्टर दाता और हिम्मत मिले, मेरे संपर्क में आए उसको हिम्मत मिले, उसका उमंग उत्साह बढ़े, चाहे शांति मिले शक्ति मिले, संबंध संपर्क में ये फीलिंग हो, ये नवीनता, न्यूनेस कहलानी है। वह क्लियर सबको, तो सहज विधि, खुशी मिले, हरे को कुछ ना कुछ देना है, लेना नहीं है, देने में लेना समाया हुआ है, लेकिन मुझ आत्मा को मास्टर दाता, देखो मैं चार एप्पल दूंगी तो पहले तो मेरे पास चार एप्पल चाहिए ना, तब मैं चार एप्पल दूंगी, चार आत्माओं को उमंग उत्साह देने के लिए मेरे पास उतना उमंग उत्साह चाहिए, तो लेकिन मुझे आत्मा को मास्टर दाता बनना है। इसी प्रमाण अपने स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता लाती है, स्वभाव संस्कार में, मेरा स्वभाव नहीं, कहां कहां नवीनता लानी है, मेरा स्वभाव नहीं, जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव, जो ब्रह्मा के संस्कार वो ब्राह्मणों के संस्कार, ऐसे हर रोज अपने में नवीनता लाते हुए नए संसार की स्थापना स्वतः ही हो जाएगी। तो समझा, नए वर्ष में क्या करेंगे, जो बीत चुका
तो बीते वर्ष का समाप्ति समारोह मनाना, फेयरवेल। हमेशा जाने वालों के लिए फेयरवेल बनाया जाता है, आने वालों को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। तो जो बीत चुका वो फेयरवेल, फेयरवेल भी क्यों, वो भी खुशी का दिन होता है, फेयरवेल पार्टी, वो भी पार्टी होता है। चलो भाई, उसने मेरे से ये छीन लिया इस वर्ष, फेयरवेल। वो फीलिंग्स को फेयरवेल। तो बाबा कहते हैं जो बीत चुका तो उसका समाप्ति समारोह, और वर्तमान की अब बताओ क्या होना चाहिए। बीत चुका उसकी समाप्ति समारोह और वर्तमान की समानता और समीपता का समारोह, उसका समाप्ति समारोह। वर्तमान में ये सब हो जाएंगे ना, तो समीपता और समानता का समारोह। बाप समान स्वभाव संस्कार, जो बाप का स्वभाव मेरा स्वभाव, जो बाप का संस्कार। समझ में आया बाबा के वर्ड्स? शालिनी बहन, राजू बहन, बहुत डीप वर्ड्स है, क्लियर हुआ ना? अब ये आप 10 बार याद करके भी बोलना चाहो अभी अभी याद रहेगा लेकिन। और भविष्य का सदा बीत चुका समाप्ति समारोह, वर्तमान का हाँ समीपता और समानता का समारोह, भविष्य का अब सब वही राइम करो। भगवान के वर्ड्स को देखो, हम कॉपी तो कर ले वही बड़ी बात है क्यों भाई, मास्टर है, हिंदी के मास्टर है सभी। बोलो बोलो दीपिका बहन, बोलो नहीं नहीं राइम राइम करना है। सफलता का समारोह मनाना है, इतना राइम किया है बाबा ने। अगर बीता हुआ वर्ष ऐसा होगा, वर्तमान वर्ष ऐसा होगा, तो भविष्य वाला सफलता। हाँ, तो मनसा में शुभ भावना, वाचा में मधुरता, बोलते जाओ संतुष्टता, सरलता, कर्म में कर्म में नवीनता। दीदी अनम्यूट करो, दीदी अनम्यूट दीदी अनम्यूट अनम्यूट कीजिए आप दीदी, म्यूटेड म्यूट हो गए। कर्म में नवीनता दीदी। हाँ, अनुभव की वृद्धि, संबंध संपर्क में, वह कर्म में प्राप्ति और जमा, संबंध संपर्क में मास्टर दाता, हिम्मत, उमंग उत्साह, प्राप्तियों का अनुभव, यह अनुभव। अच्छा, और फिर जो बाप का स्वभाव संस्कार में नवीनता, जो बाप का स्वभाव मेरा स्वभाव, संस्कार में ब्रह्मा का संस्कार मेरा संस्कार, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। पूरी मुरली याद हो गई, डबल विदेशी, मौजों में रहना पसंद करते हैं ना, तो मौजों के लिए दो बोल याद रखना, एक और दो बोल है, एक डॉट और दूसरा नॉट। नॉट किसको करना है ये तो जानते हो ना, NOT, माया को नॉट अलाउ, नॉट करना आता है ना कि थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे, डॉट लगा दो तो नॉट हो जाएगा, डबल नशा है ना। भारतवासी क्या करेंगे, भारत महान देश है, ये आजकल का स्लोगन है,
और भारत का ही महान आत्माएं महात्माएं गाई हुई है, तो भारत महान अर्थात भारतवासी महान आत्माएं। तो हर समय अपनी महानता से भारत महान आत्माओं का स्थान, देवात्माओं का स्थान साकार रूप में बनाएंगे। चित्र समाप्त हो, चैतन्य देव आत्माओं का स्थान सभी को दिखाएंगे। तो डबल विदेशी और भारत निवासी नहीं, लेकिन दोनों ही अभी मधुबन निवासियों, विदेशियों को बोल रहे थे ना, जैसे भी भारत महान भारत में आए, तो दोनों ही नहीं, ना भारतवासी ना डबल विदेशी, मधुबन निवासी। अच्छा, पार्टियों से मुरली याद हो गई पूरी, सिंपल। अचल अड़ोल आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। एक तरफ है हलचल, दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल है। जितनी वहां हलचल है, ये उस समय ये चल रहा था ना गल्फ वॉर, पता है, याद है ना, 91 का ही तो था गल्फ वॉर। जितनी वहां हलचल है, उतनी आपके अंदर अचल अड़ोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। अभी यूक्रेन वॉर है वहां, उस समय गल्फ वॉर है। तो अब हमारे लिए बाबा पूछ रहे हैं, वहां हलचल है, आपके अंदर अचल अड़ोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है, चेक करना है। कुछ भी हो जाए, अच्छा सबसे सहज युक्ति है, नथिंग न्यू डॉट नॉट नथिंग न्यू। ये नथिंग न्यू के लिए भी क्या इजी होगा कि इस आत्मा का पाठ, ये जो हिम्मत में हमने किया ना वो वाला, मुझे बहुत अच्छा वो पुरुषार्थ हुआ कि इस आत्मा में जो पाठ है वही पाठ प्ले करेगी, नथिंग न्यू। तब नथिंग न्यू इजी हो जाता है बोलना, उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। करता है ना, एक्सेप्टेंस आ जाती है, नथिंग न्यू। कई बार देखते हैं ना तो फिर बड़ी बात नहीं लगती है। इसलिए दादी ने कहा, गुलजार दादी का एक क्लास सुन रहे थे, ऐसा भी होता है क्या, ये भी फेल, ये भी आया संकल्प तो फेल, सुना नीति बहन, हाँ। बाबा कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, कभी आश्चर्य लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा, आश्चर्य तब हो जब नई बात हो। कोई भी बात सोचो नहीं, कोई बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है, तो आश्चर्य नहीं लेकिन फुल स्टॉप। दुनिया मूंझने वाली और आप मौज में रहने वाले हैं, दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे क्या करे कैसे करे, और आप सदा मौज में हो, मूंझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षत्रिय अर्थात मूंझना, कंफ्यूजन। ब्राह्मण मीन्स मौज, कभी मौज कभी मूंझ। आप सभी अपना नाम ही क्या कहते हो, अब बताओ, बड़ा अच्छा कनेक्शन है, सब लोग ये बोलते हैं अपना नाम, किसको होता है, मेरे को तो नहीं हुआ था क्लिक। ब्रह्म कुमार, पुरुषार्थी, 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 जिन्होंने मुरली सुनी वो नहीं बताए क्या क्या नाम बोलते हैं हमारा। ब्रह्म कुमार कुमारी, बाबा क्या कहते, देखो क्या कनेक्ट किया बाबा ने। तो आप अपना नाम क्या कहते, ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय कुमारी तो नहीं होना। इसीलिए ना देखो, क्षत्रिय कुमार नहीं है ना, मूंझने वाला कहाँ आएगा, त्रेता में। सदा अपने को भाग्य की खुशी में रहने वाले हो ना, सदा अपने भाग्य की खुशी में रहने वाले। किया था ना उमंग उत्साह, मतलब पहला ही दिन था ना, भाग्य, वाह मेरा भाग्य, ऑलवेज
जो भी भाग्य बहुत बहुत अच्छा है। तो भाग्य की खुशी में रहने वाले हो ना, दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहता, वहां बाबा और वहां मेरा भाग्य, ये गीत बजता रहता है। गीत बजता रहे, थोड़ा सा भी कंपैरिजन फिजिकल में करते हैं ना, वहां अपने आप को डाउन कर लेते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये वहां कम हो जाता है। इसलिए जब वहां बाबा और वहां मेरा भाग्य, अर्थात बाबा मिला और बाबा से जो संकल्पों की खुशी मिली, बस उसको कनेक्ट करना है। कई बार हम सोचते वो देखो कितना आगे बढ़ गया, मैं तो वही का वही हूँ, वो देखो कहाँ चला गया, वो फिर भाग्य नहीं, कंपैरिजन में नहीं होता। तो ये गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा गीत? और वाह बाबा, ये अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई और अभी है वाह वाह, जो सामने देखा जो सुना जो बोला सब वाह वाह, हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो, यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं, चाहे कोई गाली भी देता है, देखो बुरा भी करे कैसे बदले अच्छे में। ब्राह्मण जीवन में कोई बुरा होता ही नहीं। एक्चुअली बुरा ये कैसे मैं डिराइव करती हूँ उस परिस्थिति में, क्या एक्सप्लेनेशन में डिराइव करती हूँ, उस पे डिपेंड करता है ना। हाँ अगर मैंने ये संकल्प किया कि चलो पूरा हो गया, ये आया इसे इतना ले गया, चलो अकाउंट पूरा हो गया, या इससे मुझे ये सीख मिली, अकाउंट भी पूरा और शिक्षा भी मिलती है। बाबा इसलिए कहते ब्राह्मण जीवन में बुरा कुछ होता ही नहीं है। तो इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाली की, जो बोलो बोलो प्रदीप भाई गाली दे रहा है, बलिहारी तुम्हारी कैसे बोलोगे? देखो जो सहन शक्ति, जो मेरी सहन शक्ति बढ़ाई, एक बार दादी बड़ी दादी और सब बहने बड़ी बहने थी, मीटिंग चल रहा था और मीटिंग में फिर एक भाई था, उसने काफी कुछ ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ऐसे वैसे बोले जा रहा था। दादी ने कहा, सबको लग रहा था कि चुप कराए, बोला नहीं उसको बोलने दो। बोलता गया फिर अपने आप ही चुप हुआ। फिर बाद में सब गए तो बड़ी बहनों ने दादी को पूछा, दादी आपको कुछ ऐसे नहीं फील नहीं हुआ? दादी ने कहा मैं उस समय चेक कर रही थी मेरे में शक्तियां कितनी है, हम उसका सुन रहे होते हैं। मोहिनी बहन बताती है कि हम उनका सुन रहे होते इसलिए इफेक्ट हो रहे हैं, दादी अपना देख रही थी इसलिए वो क्या बोल रहा है वो तो सुनाई नहीं। तो उस समय की स्थिति यही डिपेंड, यही पास और फेल करता है ना। तो बाबा कहते हैं तो बलिहारी हुई ना जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। सहन शक्ति का पाठ पढ़ाना मतलब मेरी शुभ भावना वैसी की वैसी रही, ये नहीं कि मैं चुप बैठी रही, ये सहन शक्ति नहीं हुआ। तो कोई बुरा भी करे, अच्छा ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा तो होता ही नहीं, बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया, जो वो मास्टर बन गया आपका, मालूम तो पड़ा
कि आपको आपको की सहन शक्ति कितनी है, पता चला ना ये, तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? कैसे? मेरे में मेरे में खजाने कितना है पता तो चला, सहन शक्ति कितनी नहीं, खजाना बोले बोला अच्छा हुआ तुमने बोला, मुझे ढूंढना पड़ा तो मुझे पता चला अरे 1,00,000 पड़े हैं तो ये तुम्हारे कारण मुझे ढूंढने को मिला, तो 1,00,000 भी मिल गया, नहीं तो पता ही नहीं था। ये है खजाना बड़ा। तो जो मास्टर बन गए तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ? ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं, ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं, इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी ना, सदा मौज ही मौज। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है, देवात्मा भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, ब्रह्मा कुमार कुमारी देवात्मा भी उसके आगे कुछ नहीं, वो तो देव कुमारी है, देवताओं की है, वो भी सारे लक्ष्मी नारायण के थोड़ी होंगे बच्चे कोई भी देवी देवता के बच्चे होंगे, यहाँ तो सारे ब्रह्मा के और शिव बाबा के बच्चे, इसलिए शिव बाबा के है ना, ब्रह्मा कुमार भी कहो या माँ है ना, ब्रह्मा माँ, मतलब फिर भी लक्ष्मी नारायण के भी तो नहीं है ना सारे, तो दो ही तो बच्चे होंगे, दोनों बातें ना। तो सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ है, तो सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो, रहो भी और रखो भी। अच्छा मैं तो खुश रहता हूं ये नहीं भाई, मुझे कि मैं क्या करूं, इसकी नेचर ही ऐसी है रूसने की, मैं तो खुश रहता हूं यह भी यह नहीं, मैं सबको खुश रखता हूं यह भी हूं, वो भी है यह भी हूं। कितना बाबा सटली, मतलब स्टेटमेंट्स में भी भावनाओं का क्लैरिटी हो जाती है ना सटली। यह भी मैं तो खुश रहता हूं ये क्या बता देता है, selfishness है, selfishness मेरी नहीं है, और मैं तो खुश रहता हूं मतलब अहंकार, यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है, ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए, भाई मैं तो रहता हूं, अब ये उसका नेचर है, मतलब बहुत नेचुरली हम बोल देते हैं इसको, ये भी नहीं। दूसरा पार्टी है, विश्व में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं गाई जाती है उनसे आप कितने श्रेष्ठ हो, बाप आपका बन गया तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, सर्वश्रेष्ठ हो गए। सदैव ये स्मृति में रखो, ऊंचे ते ऊंचा बाप ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया, बन गए तो आप कितने श्रेष्ठ बन गए, दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, वृत्ति कितनी ऊंची हो गई, बदल गया ना। एक्चुअली हमारा एटीट्यूड ही तो बहुत ग्रेट हो गया ना, इसलिए बड़े हैं। किसी का मतलब बहुत ठीक है, धनवान है या प्रॉस्परस है, लेकिन लगता है कि ऐसा एटीट्यूड है तो क्या है, मतलब वो उसकी वो बाहर की शो का भी वैल्यू नहीं होता, इसलिए बाबा कहते हैं वृत्ति कितनी ऊंची हुई और दृष्टि कितनी ऊंची हो गई, सब बदल गया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति हो गई, ब्राह्मण जीवन अर्थात
और आत्मा के प्रति दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ बन गई। तो ये दूसरा ग्रुप है। तो पहले वाले में क्या था, पहले वाले ग्रुप के में के साथ वाह वाह वाला था ना, बहुत सारे पॉइंट्स है इसलिए ओवरलैपिंग ना हो जाए। वाह मेरा भाग्य अचल अडोल, बुरा बुरा होता ही नहीं, सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया, याद आ सभी सभी पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। सिर्फ खुश रहते नहीं, खुश रखते भी हैं। हाँ, खुशी खुशी मैं तो खुश रहता हूँ ये भी नहीं, मैं खुश रखता हूँ ये भी स्वार्थ है, खाली मैं खुश रहता हूँ। बहुत अच्छी पॉइंट है। अच्छा तो एक तो ये है, अब नेक्स्ट दूसरे में हो गया वृत्ति और दृष्टि। तीसरा ग्रुप, अपने आप को सफलता के सितारे है ऐसे अनुभव करते हो, जहां सर्व शक्तियां है वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वार्थ चाहे ईश्वरीय सेवार्थ, कार्य में कार्य करने के पहले ये निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है ना, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। सर्व शक्ति इस ब्राह्मण जीवन में सफलता के सहज साधन है, सर्व शक्तियों के मालिक हो, इसलिए किसी भी शक्ति को जिस समय ऑर्डर करो उस समय हाजिर हो। जैसे कोई सेवादारी होते हैं, सेवादारी को जिस समय ऑर्डर करते हैं तो सेवा के लिए तैयार होता है ना, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में। जितना जितना मास्टर सर्व शक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना सर्व शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेगी। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, सेवाधारी को जैसे ना भाई ऑर्डर करो आ जाता है, सर्व शक्ति आपके ऑर्डर में। थोड़ी भी स्मृति की सीट से नीचे आते हो तो सीट में सीट और ऑर्डर का कनेक्शन है। कौन सी सीट, स्मृति की सीट, सोमान शिव बाबा कोई भी स्मृति है, तो स्मृति की सीट से नीचे आते हो तो शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है। सर्वेंट भी होते तो कोई ओबीडियंट होते, कोई थोड़ा नीचे ऊपर करने वाले होते हैं, तो आपके आगे सर्वशक्तियां कैसे है, ओबीडियंट है या थोड़ी देर के बाद पहुंचती है, ओबीडियंट है क्या कहेंगे। ब्रह्मा बाबा ये बहन को बुलाया कि उसको बोलो आओ, 10 मिनट के बाद आई, पूछा बाबा ने आपने बुलाया किस लिए, बाबा ने कहा कब बुलाया, बाबा आपने तो बुलाया 10 मिनट पहले था ना। उसके बाद से बहनों को मतलब जब बाबा बुलाए उसी समय छोड़ के आना। बाबा बोलते थे कौन बुला रहा है, महाकाल बुला रहा है। बाबा इसलिए कहते शक्तियां भी कैसी हो। तो सर्व शक्तियों के मालिक हो ना, तो आपके आगे सर्व शक्तियां कैसी है ऐसी ही। तो जैसे इन स्थूल कर्मेंद्रियों को जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो उस समय वो ऑर्डर से चलता है ना, ऐसे ही ये सूक्ष्म शक्तियां भी आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। चेक करो कि सारे दिन में सर्व शक्तियां ऑर्डर में रही, क्योंकि जब ये सर्व शक्तियां आप अभी से आपके ऑर्डर पर होगी तभी अंत में भी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो इस नए वर्ष में ऑर्डर पर चलाने का विशेष अभ्यास करना, क्योंकि विश्व का राज्य प्राप्त करना है ना, विश्व राज्य अधिकारी बनने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। इसमें है पूरा थर्ड ग्रुप में ऑर्डर पे सर्व शक्ति आपके ऑर्डर पे चले।
निश्चय नशा हर एक बच्चे को उड़ती कला का अनुभव करा रहा है। डबल फॉरेनर्स लकी है जो उड़ती कला के टाइम पर आ गए, चढ़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ी। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है, यही विजय का तिलक औरों को खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। आपके हर्षित चेहरे को देखकर सब खुशी के पीछे आकर्षित होते हैं। खुशी होती है ना चेहरा, कई बार लोग तो ये भी पूछते हैं ना, पता नहीं कौन सा पाउडर लगाते हो चेहरा देख के, क्योंकि दुनिया की आत्माएं खुशी को ढूंढ रही है और आपके चेहरे पर जब खुशी की झलक देखते तो खुद भी खुश होते, वो समझते इनों को कुछ प्राप्ति हुई है। ये शुरू शुरू में बहनें जब आई, दादी आ सेवा पर दिल्ली में आई, तो बहुत ऐसे आती थी ना, ये शांतिबेन जी के ग्रैंड फादर थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे दिल्ली में, तो इस तरह फिर उनके कांटेक्ट में आए, मतलब उनके पास आई दादिया, और तो दीदी यही बताते कि लगता था पता नहीं क्या इनके पास क्या है, और जब सेंटर पे लेके गए तो प्रेस भी नहीं थी, कपड़े भी आपको तो पता है ना वो सब स्टाइल गद्दे के नीचे रखते थे। बाबा कह रहे हैं किसी को सुनने का, आगे चलकर आपके चेहरे खुशी के आकर्षण से और ही नजदीक लाएंगे। किसी को सुनने का समय नहीं भी होगा तो सेकंड में आपका चेहरा उन आत्माओं की सेवा करेगा। आप सभी भी प्यार और खुशी को देखकर ब्राह्मण बने हो ना, तो तपस्या वर्ष में ऐसी सेवा करना। थर्ड वाला ही चल रहा था, शक्तियां और खुशी, चेहरे की खुशी। फोर्थ ग्रुप, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहने वाली सहयोगी आत्मा हो। एक को याद करना सहज है ना, अनेकों को याद करना मुश्किल अनुभव होता है। अनेक विस्तार को, सार स्वरूप का स्वरूप एक बाप, इस अनुभव में कितनी खुशी होती है। खुशी जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का खजाना है। तो बाप का खजाना बच्चों के लिए जन्म सिद्ध अधिकार होता है ना, अपना खजाना है तो अपने पर नाज होता है ना, अपना है और मिला भी किससे, अविनाशी बाप से। तो अविनाशी बाप जो देगा, अविनाशी देगा ना, अविनाशी खजाने का नशा भी अविनाशी है, यह नशा कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि यह नुकसान वाला नशा नहीं है, यह प्राप्ति कराने वाला नशा है। वह प्राप्तियां गवाने वाला नशा है और ये प्राप्ति कराने वाला है। तो सदा क्या याद रहता है, एक बाप दूसरा ना कोई। ये तो हम मतलब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, कोई भी बात में डिपेंडेंसी सिर्फ बाबा के साथ, एक बाप दूसरा ना कोई। तो ये प्राप्ति कराने वाला नशा है, तो सदा क्या याद रहता है, दूसरा तीसरा आया तो वहां कहां भी ना, एक ही बच्चा हो तो चलो पूरा प्यार उसको मिलता है, दूसरा तीसरा आता है तो थोड़ा डिवाइडेड हो जाता है। कहीं भी दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। वह प्राप्ति गवाने वाला नशा है, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। अच्छा, विदाई के समय
नए वर्ष के शुभारंभ की बधाई, 31 मार्च का है ना, तो उस समय नए वर्ष बाबा 12 बजे तक बैठे रहते थे, और अगर सब पार्टियां हो जाती थी तो फिर बोलते थे अब क्या करना है। कभी ऐसा भी था पहले के समय, सब मिल लिया 31, लेकिन फिर भी अभी एक बजा नहीं। पहले क्या, अभी तक 2010 तक हम एक बजे तक बाबा रहे थे। चारों ओर के लवली और लकी सभी बच्चों को ये नए वर्ष के समय 1 जनवरी को बाबा ने बोला, लवली और लकी सभी बच्चों को विशेष नए उमंग नए उत्साह की हर घड़ी की मुबारक। स्वयं भी डायमंड हो और जीवन भी डायमंड है, और डायमंड मॉर्निंग इवनिंग डायमंड नाइट सदा रहे। इस विधि से बहुत जल्दी अपना राज्य स्थापन करेंगे और राज्य करेंगे। अपना राज्य प्यारा लगता है ना, तो अभी जल्दी जल्दी लाओ और राज्य करो। कई बार बाबा कहते हैं ना, पराए राज्य में बैठे हो, अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना, तो अभी फरिश्ता बनो और पीछे वाला नहीं है। को विशेष पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। विदेश वाले चाहे देश वाले तपस्या के उमंग उत्साह में अच्छे हैं, और जहां तपस्या है वहां सेवा है ही है। सदा सफलता की मुबारक हो। हर एक ऐसी नवीनता दिखाना जो सारा विश्व आपकी ओर देखे। नवीनता के लाइट हाउस बनना, किस किस में भी नवीनता लाना है वो सारा लिस्ट, तो नवीनता के लाइट हाउस बनना है। अच्छा, हर एक के लिए, हर एक अपने लिए याद प्यार और मुबारक स्वीकार करे। तो चारों ओर के सर्व मास्टर दाता आत्माओं को सदा बाप द्वारा मुबारक प्राप्त करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वयं में नवीनता लाने वाली महान आत्माओं को, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार हर घड़ी की मुबारक और नमस्ते। हर घड़ी की, बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सबको याद प्यार मिली। ये याद प्यार न्यूनेस, न्यूनेस अच्छा वरदान है। शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संघ द्वारा, ये शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संघ द्वारा हल्के बन खुशी की डांस करने वाले अलौकिक फरिश्ते भव, आप ब्राह्मण बच्चों के लिए रोज की मुरली ही शुद्ध संकल्प है। कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा रोज सवेरे सवेरे मिलते हैं। इन्हीं शुद्ध संकल्पों में बुद्धि को बिजी रखो। और सदा बाप के संग में रहो तो हल्के बन खुशी में डांस करते रहेंगे। खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। वैसे इतने शुद्ध संकल्प किसको कहाँ मिलते हैं? एक कुछ बोलेंगे, अच्छा बोलो, कम बोलो, बस इतना ही बोलेंगे ना दुनिया में। तो बाबा इसलिए कहते कि रोज रोज इतने शुद्ध संकल्प, शुद्ध संकल्प हल्के है और व्यर्थ संकल्प भारी है।
इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों में बिजी रह, हल्के बनो और खुशी की डांस करते रहो, तब कहेंगे हल्के और खुशी की डांस करने वाले कौन होते, तब कहेंगे अलौकिक फरिश्ते, लाइट, लाइट रहना। तो खुशी की डांस, शुद्ध संकल्प, खुशी की हल्का रहना और खुशी की डांस, हल्के बनना, शुद्ध संकल्प और खुशी की डांस, पूरा वरदान याद रहेगा। अच्छा, स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है, सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन, नेचुरल योगी, मतलब ही परमात्मा प्यार पालना। वैसे भी पालना अच्छी होती है ना, तो उसका तंदुरुस्ती नेचुरल होती है, जिसके पालना अच्छी होती है। तो परमात्मा की पालना है अच्छी, तो मतलब नेचुरल है, खुश रहना, ये सब नेचुरल है। मुश्किल लगता है? कोई भी बात में इमीडिएटली श्रेष्ठ संकल्प आए, जिसमें बाबा ने कहा ना भविष्य सफलता, तो अगर पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य, जब कार्य शुरू करो किसके पास जा रहे हैं, मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूं, उस कार्य के समय सफलता स्वरूप, तो फिर कार्य का परिणाम तो इजी है, ये वाली जीवन इजी है ना। तो ये है कितना पावरफुल बाबा के महावाक्य थे। पूरी मुरली याद है? मुझे भी बायहार्ट हो गई, आपको भी बायहार्ट हो गई होगी। एक एक पार्टियों के अव्यक्त माव, वाह बाबा, सेकंड था बुरा नहीं अच्छा। चलो फास्ट फास्ट गो थ्रू करते हैं। पार्टियों वाला वो तो याद है सबको, अचल अडोल। हाँ, दूसरों को भी खुश रखना, मैं खुश रहता हूँ नहीं। सेकंड ग्रुप, वृत्ति दृष्टि। थर्ड ग्रुप, बोलो बोलो फास्ट। हाँ, हर्षित चेहरा, चेहरे की खुशी, चेहरे के ऊपर बाबा ने बोला पूरा थर्ड ग्रुप में। हाँ, खुशी का चेहरा और हाँ प्राप्ति वाला अविनाशी थर्ड ग्रुप में, खुशी वाला था पूरा। फोर्थ, एक बाप दूसरा न कोई, एक रस। हाँ, फिर डायमंड, फिर तो विदाई का था। चलो याद है, पूरी मुरली हो गई, रिवीजन हो गई, मुरली रिवीजन। अच्छा, ओके जी।